सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जब हम वह कर लेते हैं जिसे हम डरते हैं, तब हमारे अंदर निडरता का जन्म होता है। तो गिर कर भी उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएगी, अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। सिर्फ दरवाजों पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी लाभ ही लाभ होगा। आज का पंचांग 27 जुलाई 2023 दिन गुरुवार, सावन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 3:48 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र रात्रि 1:28 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:05 से 3:44 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर शाम 7:28 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। मेष राशि 27 जुलाई 2023 दिन गुरुवार, घर की मरम्मत और नवीकरण अभी आपको एक जुए की तरह लग सकती हैं। खर्च करते समय सावधानी बरते, परिवार के सदस्य शायद आपके माता पिता या दादा दादी को आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। घर पर होने से आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी और आपको शांति मिलेगी। खुशियां आपके पास आ रही है और अब आप कई गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। नए संबंधों के बनने का योग है। नए सिरे से जीवन को देखें और जल्द ही आप अपने जीवन में बदलाव पाएंगे। जितना कठिन और अच्छे से आप काम करते हैं उतने ही भाग्यशाली आप हैं। आप आज ऊर्जा से भरे हैं। आपके आकर्षण और कुशलता से आज घर ऑफिस में सब प्रभावित होंगे। अपने दोस्तों या किसी खास के साथ बाहर घूमने जाकर मची करें। दिन शांत और तनाव रहित रहेगा। आज अच्छा वित्तीय लाभ होने की संभावना है, लेकिन अपने खरीदारी के खर्चों पर भी नजर रखें। बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा और सुकून देने वाला अनुभव रहेगा। आज आपको अपना धन खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि घर का कोई बड़ा आज आपको धन दे सकता है। दिन बढ़ने पर किसी पुराने दोस्त से सुखद मुलाकात होगी। शाम ढलते ढलते कोई आकस्मिक रूमानी झुकाव आपके दिलो दिमाग पर छा सकता है। आज आराम के लिए बहुत कम समय है, क्योंकि पहले के टाले हुए काम आपको व्यस्त रखेंगे। अगर आप सोचते हैं कि यार दोस्तों के साथ आवश्यकता से अधिक वक्त बिताना आपके लिए सही है तो आप गलत हैं। ऐसा करने से आपको आने वाले वक्त में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और कुछ नहीं। जब आपका जीवन साथी सारी मनमुटाव भुलाकर प्यार के साथ आपके पास फिर आएगा तो जीवन और भी सुंदर लगेगा। आज दिन सामान्य रहेगा। आपके कार्य संपूर्ण हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। कोई पारिवारिक मसला हल होने से घर का वातावरण सुकून और शांति बना रहेगा। अगर कोई यात्रा का प्रोग्राम था तो उसे स्थगित कर रखना आपको राहत देगा। वर्तमान के कुछ काम मन के विरुद्ध होने से निराशा हो सकती है। अनुमान लगाकर कोई काम ना करें, जल्दी ही आपको हर एक काम के पीछे के कारण समझ आएंगे। तनाव दूर होगा। काम पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सेहत संबंधी चिंता दूर हो सकती है। करियर से जुड़े निर्णय लेते समय क्षमता से अधिक जिम्मेदारी ना लें। रिलेशनशिप संबंधित उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन अभी तक महसूस होने वाली नकारात्मकता दूर होती हुई नजर आ रही है। वजन पर नियंत्रण रखें, खान पान में बदलाव करें। सावधानियां, बढ़ते खर्चे आपको विचलित कर सकते हैं, इसीलिए कटौती करना जरूरी है। कुछ समय बच्चों के साथ जरूर व्यतीत करें तथा उनकी समस्याओं का हल निकालें। अपने कोई भी गोपनीय बात को परिचित लोगों के साथ उजागर ना करें, वरना मुसीबत में पड़ सकती हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी तथा परिवारजनों का सहयोग बना रहेगा। उनके साथ कुछ समय मनोरंजन व मौज मस्ती में भी व्यतीत होगा। संतान की विवाह संबंधित बाधा भी दूर होगी। यह समय महत्वपूर्ण मामलों को अपना ध्यान केंद्रित करने का है।
जिनमें से एक है दिल के मामले। आपका रोमांटिक जीवन बेहद शांतिपूर्ण है क्योंकि आप दोनों के बीच की समझदारी काबिले तारीफ है। माँ या माँ जैसी कोई स्त्री आज आपका पूरा सहयोग करेगी। एक नया रिश्ता शुरुआत में मीठा लग सकता है, लेकिन बाद में यह एक पल की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं साबित होगा। आज आपको कुछ बेहतरीन उपहार मिलने वाले हैं। किस्मत भी पूरी तरह से आपके साथ है, इसलिए अपने साथी को रिझाने की कोई भी मौका आज ना छोड़े। लोगों पर विश्वास करना भी सीखें। बहुत सारे प्रेमियों में से छाट कर किसी एक को चुनने की कोशिश में अधिक समय व्यर्थ ना करें। आपका व्यक्तित्व आकर्षक है, लेकिन इस समय आपकी किस्मत के साथ ना होने के कारण आपका जादू काम नहीं कर रहा। जब आप किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगी तब आपको समझ आएगा कि आपने बिल्कुल ठीक किया है। बात करते हैं करियर की। आपके वित्तीय जरूरतों पर अनसोची व अप्रत्याशित मांगों की वजह से दिन परेशानी में रह सकता है। आपने अपनी सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी सभी बिलों और अन्य दायित्वों की जांच करें। अनदेखी में निकट भविष्य में वह राशि बड़ी मात्रा में आपको परेशान कर सकती है। आपको कुछ पुराने कर्ज का भुगतान करना पड़ सकता है जिसे आप भूल चुके थे। आज अपने काम को सादगी और ईमानदारी से करने की कोशिश करें। वाहन, अचल संपत्ति या कीमती सामान खरीदने के लिए भी यह समय शुभ है। अपने अधिकारों को समझे व अपने दृष्टिकोण को रचनात्मक बनाएं। जुए जैसी बुराइयों से दूर रहना ही उचित है। आज उन चीजों पर अधिक ध्यान दें जिन्हें आप लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे हैं। आने वाले दिनों में नए और रोचक रिश्ते की संभावना है। आपके जीवन जीने का नजरिया अपना जीवन जीने का नजरिया बदलें। इससे अपने भाग्य में परिवर्तन पाएंगे। भय का सामना नए रास्ते खोलेगा। बिजनेस में किसी भी तरह के बदलाव की कोशिश ना करें। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम करने के तरीकों में बदलाव करने से बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। काम काज हो या पारिवारिक सुख, आपके लिए दिन अच्छा रहने वाला है। आज व्यापारियों को अच्छे फल प्राप्त होंगे जिससे धन लाभ के योग बनेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव भी हो सकता है। बात करते हैं सेहत की। आपकी लापरवाही की वजह से कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधित समस्या दोबारा उभर सकती है। अपना उचित इलाज अवश्य लें। आपको अपने भोजन की योजना इस प्रकार बनानी होगी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी और सुधार हो। आपको असंक्रमणों का खतरा बना रहेगा। ऐसी स्थितियां बन रही है कि आप खुद को एलर्जी पैदा करने वाले चीजों के संपर्क में आने से नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अपने भोजन में खूब विटामिन शामिल करें, पानी भी खूब पिए। आज का उपाय, आज बृहस्पति देव की पूजा करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।